भैया आओ भैया पूजा तो आपने देखा है कि वीडियो पहले कचरा सड़क पर फैलाया जा रहा है और फिर उसी कचरे को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा उसे बुहारा जा रहा है। जो भी ये घटनाक्रम हुआ, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये गंभीर है। कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा एक ये सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई है सफाई अभियान को लेकर। कितना प्रदेश में, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना की गई है, भाजपा द्वारा उसे सफाई अभियान को लेकर विशेष जन जन तक ये बात पहुंचाने का आह्वान भी किया गया है। और उस कड़ी में अगर उदयपुर में इस तरह के हालात देखते हैं जिसमें सिर्फ औपचारिकता के तौर पर ये सफाई अभियान को एक दिखाया जाता है, क्या इसे कहें कि ये सिर्फ फोटो सेशन मात्र था? इस तरह की फॉर्मेलिटी करने का क्या औचित्य है, यह भी एक बड़ा यक्ष सवाल है। क्या ये स्वच्छ राजनीति का प्रतीक है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का संदेश आम जन को देने के लिए क्या इस तरह की औपचारिकता करना सार्थक है, सही है? ये तो आप लोग, आप जनता हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, अलग अलग ग्रुपों में वायरल हो रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से किस तरह से ये दर्शाया जा रहा है कि पहले वहाँ सड़क पर कचरा फैलाया जाता है, नीम की कुछ टहनियाँ बिखेरी जाती हैं, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व अन्य भाजपा के पदाधिकारियों को वह झाड़ू थमाया जाता है, फिर वह झाड़ू लेके आते हैं और उसको बुहारते हैं, स्वच्छता साफ़ सफाई करते हैं और स्वच्छता का संदेश देते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि जयवर्धन न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वीडियो हैं इसमें ये जरूर प्रतीत हो रहा है कि पहले कचरा फैलाया जा रहा है और उसके बाद फिर उसे बुहारा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है पार्टी के लिए, इन नेताओं के लिए एक सबक है। इस तरह की औपचारिकताओं से बचें और ज़मीनी स्तर पर वास्तविक तौर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसके ध्येय के तहत स्वच्छता के लिए ज़मीनी स्तर पर वास्तविक कार्य करें, ताकि न सिर्फ शहर कॉलोनी साफ होगी बल्कि क्षेत्रीय लोगों तक स्वच्छता का वास्तविक संदेश भी पहुंच सकेगा। इस तरह की जो औपचारिकता की स्वच्छता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह की औपचारिकता कितनी सार्थक है, क्या इसका संदेश आम जन तक सही जाएगा? आखिर इस तरह की औपचारिकता करने की कहाँ ज़रूरत पड़ी? इस तरह के कई तमाम सवाल हैं, लोगों के भी सवाल हैं, हर किसी के जहन में इस तरह के सवाल आना लाजमी है। राजनीतिक दलों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। अरे हाथ छोड़ू, थोड़ा बाचे में जाओ मारा बाप। भारत माता की जय।